आयुष मेडिकल ऑफिसर्स के साथ हो रहा है भेदभाव। मांगों को मनवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं आयुष विभाग के डॉक्टर। मांगे नहीं मानी तो लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। हरियाणा की भाजपा सरकार वैसे तो दम भर रही है कि हम आयुष को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अप्रैल 2020 में जब कोरोना आया और सब लोग डर के मारे अपने घर पर बैठे थे, तब कोरोना काल में आयुष विभाग द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए इन 206 आयुष मेडिकल ऑफिसर ने ही इस स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान संभाली थी और हजारों लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया था। इनमें से कुछ तो महिलाएं थीं जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर ड्यूटी करने के लिए जाती थीं, और हिसार में तो एक डॉक्टर प्रेग्नेंट भी थी, फिर भी अपनी और अपने बच्चे की जान की परवाह किए बिना देश सेवा के लिए घर से बाहर निकली। जिनको अपनी मौत की परवाह नहीं थी और ऐसे महान डॉक्टर के साथ हरियाणा सरकार भेदभाव कर रही है। एक साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल आता रहा। एक साल के बाद ये आयुष डॉक्टर कोर्ट केस करने के लिए मजबूर हो गए और अगस्त 2023 में ये डॉक्टर कोर्ट केस जीत गए, जिसमें हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि इन डॉक्टर को समान काम समान वेतन दिया जाए और उनके लिए जॉब सिक्योरिटी की कोई पॉलिसी बनाई जाए। 23 अगस्त 2023 को ये आदेश आया था, लेकिन अब तक हरियाणा सरकार ने और आयुष विभाग ने इस आदेश का कोई पालन नहीं किया है। ये आयुष चिकित्सक आयुष मिनिस्टर श्री कमल गुप्ता और मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन हर बार इनको आश्वासन देकर वहां से भेज दिया जाता है और इस आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है। अब इन आयुष चिकित्सकों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डालने के बाद कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार और आयुष विभाग हरियाणा को आदेश दिया कि तय समय सीमा में कोर्ट के आदेशों की पालना की जाए, नहीं तो आपको फाइन लगाया जाएगा। लेकिन फिर भी आयुष विभाग और सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही। आज हम पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी के निवास स्थान पर और आज यहाँ पर हमारे चिकित्सकों से मिलना हुआ। चिकित्सकों से पूछ रहे हैं, हाँ जी डॉक्टर साहब, कैसे आना हुआ आपका मंत्री जी के पास? देखिए, काफ़ी टाइम से हमारी अनुबंधित आयुष चिकित्सकों की एक मांग थी। कोविड-19 के अंदर जो है हमने आयुष विभाग हरियाणा सरकार में अपनी ज्वाइनिंग की थी और आज उन्हीं का एक प्रतिनिधि मंडल जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री कमल गुप्ता जी से, डॉक्टर कमल गुप्ता जी से आज मिलने के लिए आया है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनमें सबसे पहली मांग ये है कि अनुबंधित आयुष चिकित्सक जो हैं, इन्होंने अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेके और समान काम समान वेतन को लेके माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा के अंदर जो है एक याचिका दाखिल की थी, जिसका फैसला देते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने समान काम समान वेतन की हरियाणा सरकार की नीति के आधार पे माननीय महानिदेशक आयुष विभाग को ये आदेश दिए थे 22 अगस्त 2023 को कि जितने भी वॉलंटियर AMO हैं उनको आप समान काम समान वेतन के आधार पर बेसिक पे जो है देना सुनिश्चित करें और उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए विभाग की तरफ से एक पॉलिसी बनाना जो है वो सुनिश्चित करें। ये आदेश 22 अगस्त 2023 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्टर जनरल आयुष को दिए गए, लेकिन आज 10-11 महीने बीत जाने के बाद भी उस पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो अनुबंधित आयुष चिकित्सकों को बेसिक पे मिली है, ना ही अभी तक विभाग ने किसी प्रकार की उनकी नौकरी की गारंटी या सुरक्षा के लिए जो है कोई किसी प्रकार की कोई पॉलिसी बनाई है। इसी विषय में हम आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कोई ज्ञापन देने आए थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना और शीघ्र ही इसके ऊपर उचित कार्रवाई करने का हमें आश्वासन भी दिया और इस बारे में उन्होंने माननीय महानिदेशक आयुष विभाग को आदेश भी दिए। तो हमें उम्मीद है कि हमारी जो शिकायत है वो जल्द से जल्द दूर होगी। जी डॉक्टर साहब, आप कितने चिकित्सक लगे थे और कब लगे थे और अब विभाग में कितने कार्यरत हैं? 2020 में अप्रैल 2020 में कोविड आया था, उस टाइम 206 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट हुए थे और जो वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट जो है इनको अपॉइंट किया गया था 206 को, जो अब तक रहते रहते वो कुछ CHO लग गए, कुछ कहीं पे चले गए, तो 134 अभी एट प्रेजेंट आयुष मेडिकल ऑफिसर आयुष विभाग में कार्यरत हैं। अप्रैल 2020 के बाद एक साल तक इनका जो अप्रूवल है आता रहा, उसके बाद इन्होंने कोर्ट केस डाल दिया। हमने कोर्ट केस डालने के बाद जो है समान काम समान वेतन का जो केस है वो हम जीत चुके थे अब अगस्त 2023 में,
लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, यहाँ तक कि हम पिछले महीने अपने डॉक्टर कमल गुप्ता जी से भी मिले थे, इन्होंने डीजी साहब को आदेश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिपार्टमेंट है और जो सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इसी मांग को लेकर हम यहाँ पे आए हुए। जी डॉक्टर साहब, आपकी मुख्य मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से क्या हैं? मुख्य मांगे ये हैं कि हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए और साथ में जो समान काम समान वेतन है वो हमें दिया जाए, क्योंकि कोविड में जिन्होंने अब तक काम किया है, चाहे वो NHM में लगे हों या कच्चे कर्मचारी लगे हों, सबको जॉब सिक्योरिटी दी गई है। सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, आयुष मेडिकल ऑफिसर के साथ ही ये भेदभाव किया जा रहा है। वैसे तो सरकार बोल रही है कि हम आयुष को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आयुष के पैर भी काट रहे हैं। जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर दो दो डिस्पेंसरियों में काम कर रहे हैं, उनको जो समान काम समान वेतन नहीं दिया जा रहा। मात्र 25,000 वेतन में आप एक अगर फोर्थ क्लास देखते हैं तो उसको भी 25,000 रुपये वेतन मिल रहा है और हमें भी 25,000 रुपये वेतनमान मिल रहा है, तो उसमें ये काम कर रहे हैं और दो दो डिस्पेंसरी संभाल रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज फिर आयुष चिकित्सकों का प्रतिनिधि मंडल श्री कमल गुप्ता जी से मिला है और आज भी उनको सिर्फ आश्वासन ही मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी ये मांग है कि कोविड में अपनी जान पर खेलकर देश सेवा चुनने वाले हम डॉक्टर्स को जॉब सिक्योरिटी दी जाए और हाईकोर्ट के आदेशानुसार समान काम समान वेतन और पिछला एरियर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास, हरियाणा।